डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कोई भी जीन सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस को लेकर के आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है क्या। ऑर्गेनिज्म या जीन सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंसेस के बीच में इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, इसी को स्टडी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। और जिस ट्री के माध्यम से या जिस ग्राफ के माध्यम से हम उस रिलेशनशिप को शो करते हैं उसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। तो आप देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए, मतलब फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के लिए किन बेसिक चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किस जीन का आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना चाहते हैं, या किस ऑर्गेनिज्म का करना चाहते हैं, या किस प्रोटीन सीक्वेंस का करना चाहते हैं। मान लेते हैं मैं किसी एक जीन सीक्वेंस को लेकर के फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना चाहता हूं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उस जीन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले तो आपके पास आपकी जीन सीक्वेंस होनी चाहिए और फिर बाकी सीक्वेंसेस को लेने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उस सीक्वेंस से रिलेटेड होमोलॉगस कितनी सारी सीक्वेंसेस हैं। तो ये सारी सीक्वेंसेस जब हमारे पास आ जाएंगी तो उन सारी सीक्वेंसेस को हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलाइन कर देंगे, मतलब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद जो फाइल बनेगी उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे और उससे हम ट्री बनाएंगे। ट्री बनाने के लिए बहुत सारी एल्गोरिदम है वो मैं आपको थ्योरी सेक्शन में बता चुका हूँ, उसमें जाकर के आप थ्योरी सेक्शन में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इसके एल्गोरिदम है लाइक मैक्सिमम पार्सिमनी, UPGMA, NJ, मिनिमम इवोल्यूशन, आप उनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। जब आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना चाहते हैं, और यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप देखें कि आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद अगर बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप दिखाई पड़ रही है, अगर आपको बहुत स्ट्रांग लेवल ऑफ कंजर्वेशन मिलता है, कंजर्वेंस मिलता है, तो आपको मैक्सिमम पार्सिमनी अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपको मिडिल लेवल की सिमिलरिटी मिलती है तो आप UPGMA या NJ का यूज कर सकते हैं, और आपको बहुत लो लेवल की सिमिलरिटी अगर आपको दिखती है तो आप मैक्सिमम लाइकलीहुड का यूज कर सकते हैं। और जब हम ट्री बना रहेंगे तो उस ट्री का लास्ट स्टेप में उसका हम यूज अपने पब्लिकेशंस के लिए, अपने रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी एक सीक्वेंस लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कैसे करेंगे। इसके लिए मेरी अपनी खुद की एक सीक्वेंस आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं जो कि NCBI में सबमिट है। तो चूंकि SSN नंबर मुझे पता है, आपके पास अपनी कोई जीन सीक्वेंस हो सकती है या आपके कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकती है या प्रोटीन सीक्वेंस हो सकती है, तो सीक्वेंस पहले मैं निकाल लेता हूं। आप देखेंगे ये SSN नंबर है तो NCBI में सिर्फ आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये सीक्वेंस को पहले मैं फास्टा फॉर्मेट में ले लेता हूं। ये देख सकते हैं 16S राइबोसोमल RNA जीन है जो कि बेसिकली एज ए मॉलिक्यूलर क्रोनोमीटर हम यूज करते हैं किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी डाइवर्सिटी की स्टडी के लिए। तो ये सीक्वेंस मेरे पास ये आ गई है, ये फास्टा फॉर्मेट में है और मैं काम क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और एक नोट पैड में इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे नोट पैड में सेव करता हूँ, देखिएगा नोट पैड ओपन करता हूँ, उस सीक्वेंस को मैं फास्टा फॉर्मेट में नोट पैड पे सेव करता हूँ। अब मुझे इसकी होमोलोगस सीक्वेंस चाहिए, तो मैं ब्लास्ट अगर यहाँ पर कर देता हूँ तो डेटाबेस में जितनी सारी सीक्वेंसेस हैं उनके साथ मैच कराएगा और जितनी सिमिलर सीक्वेंसेस हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग बैक्टीरिया की, वो तो सीक्वेंसेस मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूँ कि अगर चूंकि मैं यहाँ पर 16S RNA पे काम कर रहा हूँ और वो मेरी बैक्टीरियल सीक्वेंस है, तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन पे जाऊंगा तो सारी सीक्वेंसेस साथ मैच कराएगा तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करते हुए सिर्फ राइबोसोमल के साथ मैच कराने के लिए बोलता हूँ ताकि मुझे प्रिसाइज रिजल्ट मिले। अगर आपके पास कोई जीन सीक्वेंस है तो आप स्टैंडर्ड डेटाबेस पे जा सकते हैं यूकेरियोट का है, तो अदरवाइज मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ ब्लास्ट रख देता हूँ। तो जैसे मैं इसे ब्लास्ट करूंगा ये डेटाबेस की सारी सीक्वेंस के साथ जो 16S RNA की सीक्वेंस है अलग अलग बैक्टीरिया की, वो सीक्वेंसेस के साथ मैच करा के देगा। और चूंकि ये रिजल्ट तो बहुत सारा देगा, 100-200 देगा या उससे भी ज्यादा दे सकता है, आप जितनी ज्यादा सेटिंग करके रखेंगे उतना रिजल्ट देगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो चूंकि मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहा हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए 3-4 सीक्वेंस लेता हूँ ताकि क्विकली आपका रिजल्ट हो जाए। जब आप रियल लाइफ में रिसर्च करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंस को आप ले सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कुछ सीक्वेंसेस को मैं लेता हूँ।
सपोज ये देखिए जो मेरी सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस के ऑलरेडी 99% मैच कर रही है, ई वैल्यू भी बहुत ही बढ़िया है, जीरो है मतलब परफेक्ट है। तो मैं कुछ इसमें 100 के 100 सीक्वेंस देखे सेलेक्ट है, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन जल्दी हो जाए इसलिए मैं सिर्फ 5-6 सीक्वेंस आपके लिए ले लेता हूँ। देखिए 6 सीक्वेंस मैंने लिया है और यहाँ पे जाके एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, और यहाँ पर मैं दूसरा जो ऑप्शन है फास्टर अलाइंड सीक्वेंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस जो है फास्टर फॉर्मेट में, जो 6 मैंने सेलेक्ट की थी, जो मेरे सीक्वेंस के होमोलॉगस थी वो मेरे पास आ चुकी है। मैं इनको कॉपी करता हूँ ये देखिए, और वो अपनी सेम फाइल जो पहले वाली मेरी नोटपैड वाली फाइल थी, जैसे मेरी वाली सीक्वेंस थी पहले से, उसमें मैं जा करके पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इनको आप मिक्स मत करिएगा, ये नेक्स्ट लाइन से मेरी जो सीक्वेंस है उसे मैं पेस्ट करता हूँ। और ये सीक्वेंस देखिए मेरे पास 7 सीक्वेंस हो गई, एक पहले वाली थी, बाकी 6 पहले अभी मैंने होमोलॉगस निकाले। सेवेंस करने के इसको मैं सेवेंस करता हूँ। सेवेंस करने के लिए एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, डेस्कटॉप पे जाएंगे और इस सीक्वेंस का कुछ भी नाम रख देता हूँ। सपोज मेरी जो सीक्वेंस थी उसका नाम था, चलो मैं कुछ भी रख देता हूँ, सपोज सेलिनी कोकस रख देता हूँ, सेलिनो कोकस रख देता हूँ। और एक चीज आप जरूर करेंगे, सिर्फ आगे फास्टा नाम जरूर लिखेंगे ताकि वो फास्टा फाइल में सेव हो जाए फॉर्मेट में, और यहाँ पे ऑल फाइल करेंगे। ये करने के बाद आप क्या करें, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, मैं इसे सेव करता हूँ और इसके बाद मैं सारी नोटपैड की फाइल बंद कर देता हूँ। अब मैं रेडी हूँ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के लिए, मेरे पास सारी सीक्वेंसेस आ चुकी हैं। अब इसके बाद आपके पास जब सीक्वेंस हो जाएंगी तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और सॉफ्टवेयर है हमारे पास मेगा सॉफ्टवेयर आप करेंगे फॉर फाइलोजेनी। तो पहला ही जो लिंक आपको मिलेगा मेगा सॉफ्टवेयर करके दिखाई पड़ रहा है आपको कि ये इसकी मदद से आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जाके आपको कुछ स्टेप करने होंगे लाइक विंडोज ग्राफिकल जीयूआई, ये सब बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। अगर आप 64 बिट का यूज करते हैं तो 64 रखिए, अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है तो आप 32 बिट भी कर सकते हैं। तो 64 बिट मेरे पास है तो मैं इसे डाउनलोड पे करता हूँ। जैसे डाउनलोड करूंगा एक आधे स्टेप और मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, देखिए कुछ ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा आपको, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद में एक आध चीजें और पूछेगा कि आप क्या करते हैं। तो चलो मेरा रोल एक रिसर्चर का है, मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं। आप डाउनलोड पे जाएंगे, और जैसे आप डाउनलोड पे जाएंगे आपका देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, और डाउनलोडिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी, मैं यहाँ बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। बाकी सॉफ्टवेयर की तरह उस सेटअप फाइल पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और करते चलाएंगे, बड़ी आसानी से आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होने के बाद में अब मैं क्या काम करता हूँ, देखता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर दिखता कैसे है। तो ये शॉर्टकट बन जाएगा, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए हमने डबल क्लिक किया है, जैसे डबल क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ पे आपको करना क्या है, डेटा पे जाएंगे, ओपन अ फाइल या सेशन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे क्योंकि मैंने अपनी जो 7 सीक्वेंसेस थे एक ही नोटपैड में करके मैंने फास्टा फॉर्मेट में सेव किया था, वो मेरे डेस्कटॉप पे है, देख लेता हूँ किस नाम से है, सेलिनोकोकस डॉट फास्टा के नाम से है। ओपन करता हूँ, मुझसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि आप अलाइन करना चाहते हैं कि एनालाइज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अलाइनमेंट करना चाहूंगा क्योंकि आपको पता है कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के लिए हमें पहले मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे अलाइन किया, देखिए ये मेरे पास सीक्वेंसेस आ गई, देखिए सारी सीक्वेंस मुझे दिखाई पड़ रही हैं, इसमें जो पहली सीक्वेंस है मेरी वाली थी और बाकी सीक्वेंसेस मैंने कहाँ से ली थी, डेटाबेस से ली थी। तो मैं अलाइनमेंट पे जाता हूँ, अलाइन बाई क्लस्टर डब्ल्यू करता हूँ, मसल से भी कर सकते हैं, बहुत सारे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं यहाँ पे क्लस्टर डब्ल्यू का यूज कर रहा हूँ। दोनों के एल्गोरिदम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट यूर आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, अलाइन बाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या पूछेगा नथिंग सेलेक्टेड फॉर अलाइनमेंट, सेलेक्ट ऑल, ओके आप प्रेस कर दें, और ये सिंपल सा पूछेगा यहाँ पर कि आपके अलाइनमेंट के लिए रेडी है, कुछ नहीं करना है, बाई डिफॉल्ट हम रखते हैं इसको, और ओके पे प्रेस करेंगे। और आपको डिपेंड करता है कि कितनी सीक्वेंसेस आपके पास है, आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्पीड कितनी ज्यादा है, उसके हिसाब से आपको अलाइनमेंट करके मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास सीक्वेंस चूंकि बहुत कम थी, मैंने सिर्फ 6-7 सीक्वेंस ली थी, तो देखिए मैं अलाइनमेंट हो चुका है मेरे पास। अब जब ये अलाइनमेंट हो चुका है तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं यार स्टार जहां पे दिखाई पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टार्स आप देखिए बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा, मतलब ये ऑलमोस्ट जो सीक्वेंस है सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में ये कंजर्व है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की सिमिलरिटी है। तो इसके लिए अगर मैं
मैक्सिमम पार्सिमनी का यूज करूं तो मेरे लिए बेहतर होगा। आप दूसरे का भी कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड है, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है सिमिलरिटी तो आपको मैक्सिमम पार्सिमनी पे जाना चाहिए। डेटा पे जाएंगे और यहाँ पर इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ अलाइनमेंट। आपको याद हो तो मैंने जो सीक्वेंस थी मेरे पास पहले उसको मैंने फास्टा फॉर्मेट में रखा था, अब इसको मेगा फॉर्मेट में सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए serenococus.meg के नाम से ऑटोमेटिकली आ गया और मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फाइलोजेनी पे जाऊंगा और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या यूज करना चाहिए, आपको मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड यूज करना चाहिए। तो मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड यूज करने के लिए आपके पास सीक्वेंस चाहिए ऑब्वियसली। तो जो मेगा वाली फाइल है वो मैं कॉल कर लेता हूँ ओपन, क्योंकि ऑलरेडी अलाइन हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछता है बूटस्ट्रैप वैल्यू, अगर आप टेस्ट ऑफ फाइलोजेनी करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप वैल्यू बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया होगा, आपको थ्योरी सेशन में बताया था कि बूटस्ट्रैप की वैल्यू आप 1000 भी रख सकते हैं, 5000 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं 100 रख देता हूँ और आपको पता है कि ये बताता है कि जो आपकी जो आपने ट्री जनरेट किया है, जो टैक्सा के बीच में जो जो सीक्वेंसेस है उनके बीच में जो रिलेशन है, आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट है। तो अगर मान के चलिए एक बेसिक पैरामीटर आपको बताऊं, अगर वैल्यू अगर 80 के ऊपर आती है बूटस्ट्रैप की तो वो रिलायबल आप रिलेशनशिप मान सकते हैं। तो मैं ओके पे जाता हूँ। ज्यादा डिटेल देखना है तो आपको थ्योरी सेशन में जाना पड़ेगा, वहां पर मैंने ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्री आपके सामने है, ये रिलेशनशिप आपके सामने आ गई है। आप देख सकते हैं कि जो आपके सेलेनोकोकस रोजियस थी, जो मेरी स्ट्रेन थी, जो वो देखिएगा ये स्ट्रेन है, ये दूसरी है, और जो मेरी वाली स्ट्रेन थी शायद सेलेनोकोकस रोजियस, ये देख सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो क्लोजली रिलेटेड है, तो सेरेनोकोकस रोजियस और सेरेनोकोकस एमाइलोलाइटिकस का कॉमन एंसेस्टर है, और उनका एंसेस्टर किसके साथ मैच करता है, सेरेनोकोकस रोजियस स्ट्रेन RVSCOKH1। तो इस तरह से इसको रीड करके आप देख सकते हैं कि किन किस ऑर्गेनिज्म के बीच में कौन ज्यादा रिलेटेड है। अब ये सीक्वेंस आपके लिए रेडी है और आप यहाँ पर नंबर्स भी देख रहे होंगे। तो नंबर का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पर 100 है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है आप इसमें कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है, ये भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो स्कोर है वो 80 के ऊपर है। यहाँ भी कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ कम लिख रहा है 58, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। तो अगर इनके ये अगर आपका सेंटर ऑफ स्टडी है तो आप इसमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस और आप इंक्लूड करेंगे तो बूटस्ट्रैप की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आपका फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया। इसको अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे, आप इसे कर्व में भी देख सकते हैं, आपको जिस तरह से रिप्रेजेंट करना हो कर सकते हैं, आप सर्कल में जाके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में बताया हुआ है डिटेल में अपने थ्योरी सेशन में, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। चलिए मैं सपोज यहाँ पे सिंपल वाला ही रखना चाहता हूँ, मैक्सिमम पार्सिमनी ये एनालिसिस भी करेगा और भी आप कर सकते हैं, हालांकि इन सबको आपको बेसिक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल वाले में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, इसके लिए आपको ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको प्लेन तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, जैसा मैंने पहले भी करके बताया था। इसमें बहुत सारे बहुत डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, बहुत ही बेसिक रखता हूँ इसको। तो जो आपकी सीक्वेंस है, जो आपका ट्री है, जैसा मैंने अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि आखिर कितने तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं, तो मैं रेक्टेंगुलर ही रखता हूँ। देखते हैं आप सीक्वेंस को, ये देख सकते हैं सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को सपोज मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ताकि मैं इसको अपने पब्लिकेशन में यूज कर सकूं। तो यहाँ पर आप प्रिंट देखिए ऑप्शन है, कॉपी द ट्री इमेज, तो आप यहाँ से आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं पर भी जाके पेस्ट कर सकते हैं, या इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये यहाँ पे इमेज पे जाके आप सेव एज भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। सपोज मैं इसे सेव एज PNG में करता हूँ तो ये पूछेगा मुझे कहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सपोज मैं इसे डेस्कटॉप पे ही रखना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे इसका नाम भी कुछ रख देता हूँ मैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ये 16S करके मैंने सेव कर दिया है, ओके कर देता हूँ। और ये जो फाइल है देख सकते हैं आप, ये जो ट्री है ये मेरे पास आ चुका है, और इसका मैं जहाँ भी यूज करना चाहूँ बहुत आराम से यूज कर सकता हूँ पब्लिकेशन में। तो ये एक शॉर्ट में आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन रहा या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से
जैसे मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम पारसी में लिखकर यूज कर सकते हैं कि आपने हमने यहाँ पर आपको बताया, ऐसे ही जब आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे तो आप दूसरे मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया मैक्सिमम पार्सिमनी हो या मैक्सिमम लाइकलीहुड हो या यूपीजे में हो, स्टेप सारे सेम है। फाइलोजेनी में आप जाएंगे, देखिए बस सिर्फ करना इतना होगा कि अगर आपको मिडिल लेवल की सिमिलरिटी है तो आप यूपीजे में कर लीजिए, या आप मिनिमम एवोल्यूशन कर लीजिए या नेवर ज्वाइनिंग कर दीजिए, बाकी सारे स्टेप वैसे ही वह होंगे जैसा हमने मैक्सिमम पार्सिमनी में किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा, और आपके पास जो भी कोई रिसर्च की प्रॉब्लम्स है आप उनको इसी मेथड के थ्रू यूज करके आप बढ़िया से फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बना सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।